फेसबुक इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग आयोजित पत्र परिषद में की गई। फेसबुक इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर देश के देश प्रेमी भारतवासियों की भावना को ठेस पहुंचाई जाएगी और समाज में अराजकता फैलेगी। साथ ही संविधान पर अपना संपूर्ण देश चलता है उसी संविधान के विरोध में पोस्ट की गई है। इस संदर्भ में पत्र परिषद ली गई। पत्र परिषद में एडवोकेट फरहत बेग और डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए ऐसी मांग की गई। भारत जो देश है वो संविधान के हिसाब, जो भारत का संविधान है उसके हिसाब चलता है, लेकिन भारत के संविधान पे अगर बार बार हमला हो रहा है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए वो भारत के संविधान के हिसाब से बैठे हुए हैं। चंद्रपुर में एक संदीप कुकड़ पावर नाम के एक देशद्रोही ने अपने फेसबुक वॉल पर उसने भारत के संविधान के खिलाफ में बिल्कुल ऐसी शब्द ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जो खतरनाक है। ये शब्द लिखता है कि भारत का संविधान ये देश के लिए खतरनाक है, हमारे लिए खतरनाक है। अगर ऐसे जातिवादक संविधान है, ऐसा अगर भारत के संविधान के खिलाफ में कोई लिखता है तो हमारी नज़र में वो देशद्रोही है और ये देश में जो समाज और समाज है इनके बीच में दूरता निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी विचारधारा डालकर। इसलिए हमारे कुछ जूनियर्स लोग वकील लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाकर पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए कहा गया। FIR दर्ज हुआ है तो 153A और 295A भारतीय दंड संहिता के ये दो कलम लगे गए थे। दोनों नॉन कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस रहने के बावजूद भी आज तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने SP साहब के पास में भी कंप्लेंट किया, आज अनिल देशमुख साहब गृहमंत्री जो आए थे उनको भी हमने कंप्लेंट किया है कि ऐसे लोगों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फेसबुक वरील आक्षेपार्ह पोस्टच्या विरोधात आज बऱ्याच संघटनांनी निवेदन दिले गृहमंत्री देशमुख साहेबांना, आणि त्याच्यात भूमिपुत्र ब्रिगेड, मुस्लिम हक्क परिषद, संविधान संवर्धन समिती, मराठा सेवा संघ अशा विविध संघटनांनी निवेदन दिले। आणि या सगळ्यांची एकच मागणी आहे की जर कोणी व्यक्ती संविधानाला घातक म्हणतो आहे, जातीवादी म्हणतो आहे, तर अशा व्यक्तीवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्याची त्याच्यावर जी कारवाई उचित आहे ती केली गेली पाहिजे। 6 दिवस उलटून गेलेले आहेत आणि त्याच्यावर ती योग्य ती कारवाई केली गेली नाही आहे। म्हणून आमची मागणी हीच आहे की जर तुम्हाला या देशात हार्मोनी ठेवायची असेल ती योग्य ती कारवाई करावी असं आमचं म्हणणं आहे।